नमस्ते, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आप लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं? इट्स वेरी सिंपल, बचपन से हम दिवाली मनाते हुए आ रहे हैं, तो हमें पता है कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। तो जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे लिए मिली दिवाली था नए नए कपड़े, खूब सारी मिठाइयाँ और पटाखे, बस दिवाली का मतलब मेरे लिए यही था। और जैसे जैसे बड़ी हुई, जैसे लोगों में जिज्ञासा जागती है कि क्यों करते हैं, क्यों क्यों क्यों, तो मैं आज आप लोग से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वैसे इतना तो हम सबको पता है कि राम जी जब लंका दहन करके सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ वापस अयोध्या लौट रहे थे, तो उस दिन पूरे नगरवासियों ने उनके लिए दिए जलाए थे, क्योंकि वो अमावस्या की रात थी, इस वजह से दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया था। तो वो जो वापस लौट के आए थे, इसीलिए हम उस दिन दिवाली मनाते हैं, राइट? इतना तो सबको पता है, ये बहुत ही मतलब बेसिक है जो सबको पता होना चाहिए। बट आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर दिवाली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि राम जी घर लौट कर वापस आए थे, तो उस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन हम क्यों करते हैं? ये सवाल कितने लोगों के मन में आया है? आई होप नहीं आया होगा, या कुछ लोगों के मन में आया होगा, और कुछ लोग शायद जानते भी होंगे कि क्यों करते हैं। तो उस क्यों का जवाब बस इतना है, समुद्र मंथन से जब माँ लक्ष्मी जी का आगमन हुआ था, तो उस दिन हम उनके जन्मोत्सव की तरह मनाते हैं। तो दिवाली के दिन माना जाता है कि लक्ष्मी माँ घर के अंदर प्रवेश करती हैं, तो ये जो सब साफ सफाई हम करते हैं, महीनों से लगे हुए हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, ये बस इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी जी दिवाली के दिन हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं। और गणेश जी साथ में क्यों आते हैं? तो ये सबको पता होगा कि गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया गया है, उनको उस चीज़ का वरदान दिया गया है कि जो भी एनी काइंड ऑफ पूजा, कोई भी पूजा, जब तक सर्वप्रथम गणेश जी का नाम नहीं लिया जाएगा, वो उस पूजा को सफल नहीं माना जाएगा। तो ये रीज़न है गणेश लक्ष्मी जी का जो पूजन है हम साथ में करते हैं और दिवाली मनाते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू रियली लाइक दैट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली।